शुरुआत किस तरह से हुई मैच की अगर हम देखें तो इंडिया ने टॉस जीता था, रोहित शर्मा बैटिंग करने आए थे आज। ये भी बहुत ही रेयर होता है कि रोहित शर्मा बैटिंग करने आए। आज बैटिंग करने आए तो रोहित शर्मा सिर्फ 9 रन ही बना सके, लेकिन क्या ही शानदार इनिंग खेली आज विराट कोहली ने। रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल के बाद कहा था प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि उन्होंने अपने रन जो है ना वो फाइनल के लिए बचा के रखे हैं। तो 76 रन आज उन्होंने स्कोर किए हैं जिसमें 2 छक्के और 6 चौके शामिल हैं, 128 का स्ट्राइक रेट। देखिए बैटिंग करने का जो है ना वो मैंने आपको कहा ना कि उन्होंने तो पिच देख के डिसीजन लेना था ना, वो तो नज़र आ गया था कि बिल्कुल ही फ्लैट विकेट है और स्पिनर को सूट करती है, मगर हालांकि की नहीं सूट, सारे स्पिनर्स को मार पड़ी है इसमें। अगर आप इंडिया को देखें ना तो 3 बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की है जो कम स्कोर दिया है, जी। वो पांड्या, हर्षदीप और बुमराह ने, इन्होंने सबसे कम स्कोर दिया है। देखिए वो उस मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि वो बड़ा प्लेयर है और जो बड़े प्लेयर होते हैं ना वो बड़े मैचों में स्कोर करते हैं, लेकिन आज मगर वो अंडर प्रेशर था भाई। आज 48 बॉल्स उन्होंने खेली थी, 50 उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एक्सेलरेशन की है ना वहाँ से 37 स्कोर जो था ना उस वक्त तक उसने कोई चौका नहीं मारा हुआ था। और ये मैं आपको बताऊं अगर आज अच्छा एक ब्रेकिंग भी आ गई है जी, मुझे बताया जा रहा है कि कोहली ने कह दिया है कि दिस वाज माय लास्ट वर्ल्ड कप ना T20 फॉर्मेट का। तो वो कब अगला कब होना है? अगला तो रिटायरमेंट तो नहीं लिया है ना उन्होंने, लेकिन ये वर्ल्ड कप उनका तो अगला वर्ल्ड कप आई थिंक 2 साल के बाद है जी। तो 2 साल तक तो वो खेलेगा, अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी है, 2 साल तक तो वो तो लाजमी बात है वो खेलेगा। देखें वो बड़ा प्लेयर है इसमें कोई शक नहीं, मगर आज अगर मैच अगर इंडिया हारता ना तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी उसी को जाना था कि वो स्लो खेला है। और ये एक चीज़ देखें कि आज उन्होंने इसीलिए क्योंकि बीच में बहुत स्लो विराट खेल गया था जिसकी वजह से उन्होंने पिंच हिटर के तौर पे पाटिल को भेजा, हालांकि पाटिल बड़ा अच्छा बैट्समैन है, वो नीचे जहां वो अपनी बैटिंग करता है बड़ा तेज है, शिवम भी उससे पहले आते हैं और हार्दिक को भी उससे पहले ट्राई सबसे किया जाता है। मगर वो पिंच हिटर के लिए इसीलिए भिजवाया था कि ये किसी तरह रन रेट जो है ना उसको ठीक कर दे, और मेरा ख्याल है कि ये भी क्रेडिट उसको जाता है कप्तान को कि उसने आके जो मैच को देखें एकदम चेंज किया है, 47 जो किया 151 का वो तो टोटली मैच को ना उसने कोई ऐसा बॉल नहीं था जिसपे उसने बड़ी हिट ना मारी हो। और अगर आप विराट को देखें कि विराट ने भी पूरी कोशिश की अपने थ्रू आउट इनिंग्स में बड़ी हिटें मारने की और उससे हिट लग नहीं रही थी, जितनी भी उसने शॉटें खेली हैं ना जी, या उसका इनर एज लगा है या बीच में कहीं गिर गया, मतलब जा नहीं रही थी। आखिरी दो आउट होने से 2 छक्के उसने मारे हैं, वो भी बड़ी कोशिश से कि वो उसको मिल गए, अदरवाइज उससे हिट लग नहीं रही थी। इसका मतलब है कि वो स्ट्रगल तो कर रहा था बहुत, मगर इंडिया को ये एडवांटेज हो गया कि 2 विकेटों के बाद गिरने के बावजूद वो पार्टनरशिप जो होती है ना वो ले के चला, दूसरी तरफ से लोग आके हिटें मारते रहे मगर वो साथ साथ विकेट नहीं उसने गिरने दी। तो मेरा ख्याल क्रेडिट दोनों को जाता है, कप्तान को वैसे बहुत जाता है इसमें कि उसने जो चेंजेस की हैं ना टाइम पे, जो पाटिल को भेजा था मेरा ख्याल वो मैच विनिंग उसके लिए हुआ। वैसे तो बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जहां साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था, वैसे मैंने कभी किसी टीम को इतना पैनिक होते नहीं देखा कि आपके पास 24 बॉल हों और 26 स्कोर और 5 विकेट और मेन 2 प्लेयर खेल रहे हों जो बड़ी हिटें मारने वाले हैं। तो मेरा ख्याल ये साउथ अफ्रीका की आप सिर्फ बैड लक कह सकते हैं। आपके लिए एक और खबर है वो ये है कि कोहली ने रिटायरमेंट ले ली है T20 से, और क्या ही शानदार उनका सेंड ऑफ, इंडिया की टीम ने वर्ल्ड कप का फाइनल जीता है। इंजी भाई इससे बेहतर क्या हो सकता है, मतलब अच्छा मौका था उनके लिए, और अगर वो वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं हो अच्छा, टोटली बिल्कुल ही उन्होंने T20 से इंटरनेशनल क्रिकेट से T20 आप आईपीएल तो खेलेंगे जाहिर, आईपीएल तो धोनी अभी तक खेलते हैं तो वो भी खेलेंगे तो नहीं, असल में बिल्कुल सही है और ये होना भी चाहिए था जिस लेवल का मौका उनको मिल गया। जी जी बेहतरीन, और दूसरी चीज ये कि एक तो वर्ल्ड कप का फाइनल जीते हुए जी, और फिर मैन ऑफ द मैच है, यस ठीक है, तो मेरा मतलब है बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिस तरह बिल्कुल सेट स्टेज एक था ड्रीम के जी आप मैन ऑफ द मैच भी हो, वर्ल्ड कप चैंपियन हो, उस टाइम चैंपियन हो, तो आप और ये इस तरह के प्लेयर को ना इसी तरह ही जाना चाहिए था। हम इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे नहीं बात कर रहे,
एक जो इतना बड़ा प्लेयर होता है उसका 10-15 साल का कैरियर होता है और उसने बहुत मेरे ख्याल में वर्ल्ड को इंटरटेन किया है, बहुत बड़ा इंटरटेनर था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इतने बड़े इंटरटेनर की ना जो जाना चाहिए ना उसको इसी तरह ही जाना चाहिए। क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड, आप उनकी फॉलोइंग देखें, आप उनकी फॉलोइंग देखें, आई थिंक वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी इतनी फॉलोइंग हो, जितने लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे इंडिया में, लोग अपने लोग ही उनके क्रिटिसाइज कर रहे थे जी। और इतने बड़े प्लेयर को ना देखें, बैच पैच आता है जी, बैच पैच तो किसी पे भी आ सकता है, क्रिकेट में हर एक पे आता है। तो मेरे ख्याल उनके लिए उनको सोचना चाहिए कि अपने इतने बड़े प्लेयर को इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे अखबारों में उनके मैं देखता था, टीवी पे उसको कहते थे कि छोड़ देनी चाहिए इसको भी और कैप्टन को भी। तो मेरे ख्याल ऐसे प्लेयर जो है ना वो सदियों में पैदा होते हैं जो इन्होंने वाकई बहुत एंटरटेन किया है।